नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन लाइव। द्वारका दिल्ली की सबसे ज्यादा हॉट सीट और हाईटेक सीट में से एक बन चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है यहां के उम्मीदवार, 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे आदर्श शास्त्री की टिकट अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने काट दी। और टिकट किसे मिली? टिकट मिली 2015 में आदर्श शास्त्री ने जिन कांग्रेस कैंडिडेट को हराया, उनके पुत्र महाबल मिश्रा को। फिर क्या हुआ? 14 तारीख के दिन थी जब ये सारी की सारी घटना हुई और 18 तारीख को आदर्श शास्त्री कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के एक घंटे के भीतर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने द्वारका से अपना उम्मीदवार बना दिया। मतलब जो पहले यहां था अब वो वहां है। और बीजेपी ने भरोसा जताया अपने पुराने उम्मीदवार पे, जिन्होंने 6 साल के भीतर 4 चुनाव लड़े थे, 2 चुनाव जीते, 2 चुनाव हारे। इस बार वो 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रद्युम्न राजपूत हैं। अगर देखा जाए तो ये स्थिति 2015 जैसी ही है, जिसमें कैंडिडेट्स का ज्यादा बदलाव कैंडिडेट के बीच में नहीं देखने को मिला है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनिल शास्त्री जी। अनिल शास्त्री जी कैंपेनिंग देख रहे हैं अपने पुत्र आदर्श शास्त्री की। अनिल शास्त्री जी का परिचय मैं आपको करवा दूं कि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। फिलहाल वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की पत्रिकाओं को वो देखते रहे हैं, संगठन में वो कार्य करते रहे हैं। जनता दल की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे। अनिल शास्त्री जी का एक और परिचय है कि वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। सर, स्वागत है आपका पहले तो हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल मैं राजनीति से ही लूंगा और चूंकि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया है तो उन्हीं से लूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे कि उनके कोई भी पुत्र और आगे आने वाली पीढ़ी राजनीति में भाग ना ले, लेकिन लगभग सभी जो है वो राजनीति में इन्वॉल्व है। क्यों राजनीति में आना पड़ा सर? ये सच है कि मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बेटा या उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति उस समय भी लगता है थोड़ी बहुत गंदी होगी और उनको ऐसा लगता था कि उनके बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर नौकरी करनी चाहिए। इसी वजह से अच्छी शिक्षा उन्होंने देने का काम किया अपने सभी बच्चों का। और हरी शास्त्री जो मुझसे 10 साल बड़े हैं उम्र में, अब तो उनका निधन हो चुका है, उनको टिकट मिला शास्त्री जी के निधन के बाद। अपने जीवन काल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने किसी बच्चों को राजनीति में आने के लिए ना कहा और ना किसी प्रकार को प्रयास किया, लेकिन उनके निधन के बाद इस तरह परिस्थितियाँ निर्मित होती गईं जिसके वजह से हम लोग राजनीति में आए। जैसे मैंने बताया, हरी शास्त्री जी सन 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ और 1 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनको उसी सीट से लड़ाया जहां से लाल बहादुर शास्त्री लोकसभा के सांसद थे और वो वहां से जीते। बाद में वो 2 और चुनाव जीते, राजीव गांधी की सरकार में वो मंत्री भी रहे। सुनील मेरे जो छोटे भाई, वो भी बहुत इच्छुक थे, उनको भी टिकट इंदिरा जी ने दिया उत्तर प्रदेश असेंबली से, वहाँ से वो चुनाव दोबारा जीते, 10 साल वो मंत्री रहे। मैं थोड़ा देर से आया, मैं वोल्टा कंपनी में नौकरी किया करता था और अच्छी खासी मुझे तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मन में मेरा हमेशा ऐसा लगा रहता था कि मैं अगर डायरेक्ट जनता से जुड़ूं तो शायद जनता के लिए मैं ज़्यादा काम कर सकता हूं, ज़्यादा कटिबद्धता के साथ काम कर सकता हूं। इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर उस समय मैंने राजनीति में प्रवेश किया। बनारस से मैं चुनाव लड़ा और 2 लाख मतों से मैं जीता। तो ये सन 89 की बात है, 89 की बात है। उसके बाद से मैं राजनीति में रहा। जनता दल जब बिखर गई तो मैं कांग्रेस पार्टी में, राजीव गांधी के समय मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। राजीव गांधी नहीं बल्कि मुझे शामिल कराया पार्टी में और तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 30 वर्ष होने को आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, जो इज्जत है और जो कटिबद्धता है, वो पूरी तरह से बरकरार है। यही से एक सवाल उत्पन्न होता है सर, कि जब आपके पुत्र आदर्श शास्त्री ने राजनीति में आने का निर्णय लिया,
तो उन्होंने अपनी पारंपरिक पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं किया। आपने भी जब राजनीति में आने का फैसला किया तो आप भी अपनी पारंपरिक पार्टी से नहीं जुड़े। आपने जनता दल का चुनाव किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का चुनाव किया और दोनों ही कुछ समय बाद वापस अपनी पारंपरिक पार्टी में आ गए। तो पारंपरिक पार्टी में आना मजबूरी था या फिर आपको लगा कि यही सही ऑप्शन है? नहीं, यही लगा कि यही सही ऑप्शन है। और मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, मैंने या मेरे बेटे ने, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है कि हम लोगों ने राजनीति अपनी कांग्रेस पार्टी से शुरू नहीं की। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही ईमानदार, पूरा देश जानता है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदारी के प्रति उनका, उनके उनके मन में जो थी, मन में जैसे CBI उन्होंने इस्टेब्लिश किया, सेंट्रल विजन कमीशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इस तरह मतलब हर एक ऐसा उनके भी जो कदम हुए एज होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कि किसी तरह से करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, इसको कम होना चाहिए हमारे देश में, अगर हमको हमारे देश को तरक्की करना है तो वो ईमानदारी के प्रतीक थे। तो उस समय VP सिंह ने जो है एक करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और उसके चलते मैंने उनका साथ दिया। और आदर्श शास्त्री भी, इनका जो एंटी करप्शन प्लैंक था, जो प्लेटफॉर्म था अरविंद केजरीवाल, उससे वो प्रेरित होके उन्होंने भी 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ी और अरविंद केजरीवाल को ज्वाइन किया। लेकिन कुछ ही समय में मुझे ऐसा लगने लगा कि एक तो जनता दल बिखर रही थी और ऐसा लगा कि वीपी सिंह ने जो एक एंटी करप्शन का मुहिम छेड़ा था वो एक ढकोसला था, यानी कि वो भी एक छद्म था, एक था, और उसके वजह से मतलब ऐसा लगा कि जो सबसे ठीक पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऐसी, शास्त्री जी मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी जुड़े थे, तो मेरे मन में था कि ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो सबसे पुरानी हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, अच्छी पार्टी हो, तो इसलिए, और उनकी आइडियोलॉजी वो मुझे सूट करी, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। आदर्श शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको भी बाद में ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो जो बातें कही थी उस पर वो टिके नहीं और हर तरह से उन्होंने प्रयास किया कि जनता को भ्रमित करके, एक भ्रामक प्रचार के माध्यम से वो फिर से एक बार यहाँ पे दिल्ली की सरकार पे वो सरकार बनाना चाहते हैं। और यही नहीं, जो करप्शन की बात किया, सबसे अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कई सीटों पे पैसे लेकर लोगों को टिकट बांटे, इस तरह का एक एलिगेशन लोग बात करते हैं, मैंने कुछ देखा नहीं उनको लेते हुए, लेकिन एक ये आम चर्चा है कि कई टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो लेन देन के बाद हुआ है। क्योंकि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था आदर्श शास्त्री से कि आप चुनाव लड़िए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर ही आदर्श शास्त्री का टिकट काट के और एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके रेपुटेशन की चर्चा पूरे द्वारका विधानसभा में है। यहीं से एक सवाल उत्पन्न होता है सर, क्योंकि बड़ी दिक्कत यही है, जब तक आदर्श जी कांग्रेस में रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, तब तक वो अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में ही रहे, उनकी नीतियों को लोगों तक पहुँचाते रहे, और जब उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन दोबारा से यहाँ पे द्वारका में इस्टेब्लिश की थी तो भी उनके जो जो मेन, जितने भी अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ इन द फेवर ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड ऑल। ऐसा क्यों ना माना जाए कि आदर्श शास्त्री को टिकट नहीं मिली सिर्फ इसी वजह से वो अरविंद केजरीवाल पे, या आप अरविंद केजरीवाल पे इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आदर्श शास्त्री को तो पता चला 2 दिन पहले, उसके पहले तो उनको पता नहीं था, उनको तो ये बताया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। और महापौर मिश्रा जब संजय सिंह से मिले थे करीब 4-5 महीने पहले, तब भी आदर्श शास्त्री ने संजय सिंह से कहा कि आप महापौर मिश्रा से क्यों मिले थे, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, वो तो हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो आपस में मिलते रहते हैं। तो वो भी एक तरह से जो है वो झूठ कहा गया और आदर्श शास्त्री निश्चिंत थे। लेकिन ये कहना कि आदर्श शास्त्री ने मजबूरी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आदर्श शास्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने इस 5 साल में बहुत काम किया है और बहुत कुछ ऐसा काम है जो उनको अभी पूरा करना है, तो उन्होंने अपने मन में ठानी कि क्योंकि उनकी जो कटिबद्धता है वो पूरी तरह से द्वारका विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं और उनके मन में इच्छा थी, इसलिए वो दोबारा चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे।
तरीका तो ये हो सकता था कि चुपचाप बैठ जाते, लेकिन मैं समझता हूँ तो हार मान लेने वाली बात होती। निर्दलीय भी तो लड़ सकते, निर्दलीय भी लड़ सकते थे, लेकिन उनको एक पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था और मैं पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैंने भी उनसे कहा, वो जब हिचक रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ये अपनी पार्टी है, लाल तुम्हारे दादा की पार्टी है, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी है, मैं यहाँ पे हूँ, तुमको अब राजनीति, आगे राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी से करनी पड़ेगी। ये पार्टियां तो आज आई हैं कल चली जाएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा रहेगी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो गई है सर, कि फ्रॉम इंडियाज़ ओल्डेस्ट पार्टी और आज की स्थिति में कांग्रेस बैसाखी पे चल रही है। क्योंकि आप, एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आपके दोनों पाँव सलामत है तो आपको कोई सोने की बैसाखी भी देगा तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पाँव ही नहीं है तो आपको चाहे सोने की बैसाखी मिले या लकड़ी की बैसाखी मिले या किसी भी वस्तु का आपको सहारा लेना पड़े, आपको लेना पड़ेगा। आज कांग्रेस लगभग पूरे देश में अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रखी है। जहाँ पे भी देखा जाए उसको या तो गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है या तो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्थिति है। वो अगर द्वारका विधानसभा की बात अगर की जाए और आदर्श शास्त्री अगर किसी तरीके से जीतने में कामयाब भी होते हैं तो भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिल्ली में नहीं दिख रही है, तो वो किस तरीके से द्वारका के लिए कार्य कर पाएंगे? क्योंकि आज अगर आप पिछले दो चुनावों को देखेंगे तो पब्लिक वोट करती है गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो विनय मिश्रा है, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे जो मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, जिस तरह से आदर्श शास्त्री का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय लड़ाई जो है आदर्श शास्त्री, कांग्रेस पार्टी के आदर्श शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के राजपूत के बीच में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी तरह से हमारा कैंपेन चलता रहा तो आदर्श शास्त्री एक बार फिर यहाँ से विधायक चुन के जाएंगे। और अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनती है तो ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस कमज़ोर है दिल्ली के अन्य जगहों पर, लेकिन अपोजिशन एमएलए रहकर, विधायक रहकर की भी बहुत काम कराया जा सकता है, बल्कि ज़्यादा काम कराया जा सकता है। क्योंकि आपसे जो सत्ता में होते हैं वो भी अपोजिशन के विधायकों से या सांसदों से वो डरते हैं। तो ये कहना गलत है कि अगर आदर्श शास्त्री एक अपोजिशन के विधायक होते तो काम नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहूँ काम और तेज़ी से होगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आप कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, एक दौर है, आफ्टर ऑल आप अगर देखें तो हम राजस्थान में जीते, हम पंजाब में जीते, हम मध्य प्रदेश में जीते, हम छत्तीसगढ़ में जीते और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हारी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हारी और हरियाणा में हारते हारते वो रह गई, उसने भी सहारा लिया। ऐसी बात तो नहीं है, बीजेपी ने भी तो सहारा लेके और सब लोगों बैसाखी के सहारे आज वो 325 सीटों पे पहुँचे हैं। तो ये भी मैं इसको मानता हूँ, इंदिरा गांधी जबकि इतनी सशक्त थी, जबकि हमारे 2/3 बहुमत होता था, 450 सीटें होती थी, तब भी हमने अलायंस तमिलनाडु में AIDMK जयललिता के AIDMK से किया, MG रामाचंद्रन से किया, एक जमाने करुणानिधि से किया। तो हमारी देश की किसी भी लोकतंत्र में ये आम बात है कि सामान्य विचारधारा वाले पार्टियों के साथ मेलजोल होता है, उनके साथ समझौते होते हैं और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। विलायत में, इंग्लैंड में भी ऐसा होता है, हर दूसरे जगह में भी ऐसा सुनने को मिला है। तो यहाँ पर ऐसा कोई, मैं समझता हूँ कि जो आपका मेन आपका दुश्मन है, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की आती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अगर और कुछ साल, अगर कुछ देर तक रहती है अगर सत्ता में, तो भारत के डिवीजन होने का एक बहुत बड़ा एक खतरा है, उसको हमको रोकना है। शास्त्री जी, यहीं से जो कई जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं, जो आपने पहला सवाल पूछा, जवाब दिया था, मैं उसी में बताऊं। हमने आम आदमी पार्टी के लोगों से भी बात की, उन्होंने बोला हाँ, प्रद्युम्न राजपूत और आदर्श शास्त्री के बीच में फाइट तो है, लेकिन दूसरे नंबर को लेके वो आश्वस्त है। और उनके आश्वस्त होने की वजह क्या है ये जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स पिछले चुनाव में निगम का चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उनका समर्थन विनय मिश्रा को प्राप्त है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कांग्रेस की पूरी यूनिट आम आदमी पार्टी के साथ चली गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका भी सपोर्ट आदर्श शास्त्री को उस लेवल पे नहीं मिल रहा है।
14 तारीख को जब उनकी टिकट कटी, मैं विधायक कार्यालय में मौजूद था। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष और भी कुछ नेता थे जो कि आदर्श शास्त्री जी के साथ थे, उनके फेवर में उन्होंने भाषण भी दिए, लेकिन अगले दिन या अगले कुछ दिनों में वो विनय मिश्रा के साथ चले गए। उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कुछ लोग आपके साथ भी गए, लेकिन जितनी भी रैलीज मैंने कवर की हैं उसमें मैं उन्हीं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, मैं नए लोगों को पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। सेकेंडली, चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, शायद आज के दौर में चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ रही है ये बाकी पार्टियों को सीखना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली जैसे छोटे राज्य के चुनाव में 250 से ज़्यादा स्टार प्रचारक उतार दिए। वहीं कांग्रेस का जो आला कमान है वो भी अभी तक प्रचार के दौर में नहीं आया, जबकि 5 दिन, 8 तारीख को वोट डलने हैं, 7 तारीख तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, 7 तारीख को आपका प्रचार बंद हो जाएगा, 6 तारीख तक। तो आप अगर देखेंगे तो मुश्किल से आपके पास 4 दिन रहे हैं और प्रचार की कोई गति, कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। कुछ सीट्स हैं जैसे आदर्श शास्त्री एज अ कैंडिडेट सीट को हाई प्रोफाइल बना के लेके चले गए, इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं मानूंगा। इसी तरीके से विकासपुरी की सीट मुकेश शर्मा, चूंकि वो पूर्व विधायक रहे थे उत्तम नगर से, तो उन्होंने सेल्फली जो है इन सीट्स के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ नहीं आ रही है। क्या वजह हो गई है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी घुटनों पर आ गई है? नहीं, देखिए, द्वारका में तो ये स्थिति नहीं है। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन और जो मैं देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के 200-250 कार्यकर्ता इस समय जो हैं आदर्श शास्त्री के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी लोग आ गए हैं। मैं ये कहूँगा कि महाबल मिश्रा के निष्कासन के बाद तो अब तो 80-90% कांग्रेसी जो हैं वो अब रात में आके मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो मिलना क्योंकि वहाँ पर उनको ये डर था कि क्योंकि महाबल मिश्रा कांग्रेस में थे तो उनको ऐसा लगता था कि कैसे हम छोड़ के जाएं, लेकिन अब वो बात नहीं है। तो ये मैं नहीं इस बात को मानूंगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन जो मैं देख रहा हूँ, लड़के चारों तरफ जो हमारे काम कर रहे हैं उसमें अधिकांश सारे आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आदर्श शास्त्री को जो समर्थन मिल रहा है वो जनमानस से मिल रहा है। कई लोगों से मैंने बात किया, जैसे तमिलियंस थे, केरला के लोग थे, ये भी 6-7 हज़ार वोट हैं, जब बात करा मैंने तो इन्होंने कहा, मैंने कहा अगर आज साथी नहीं लड़ते चुनाव तो आप किसको वोट करते हैं? हम बीजेपी को करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी का वोट भी कट रहा है। अच्छा, आदर्श साथी के पक्ष में ठीक है, उनका जो हार्ड कोर वोटर वो नहीं कटेगा, जो कोर वोटर। मैं एक और आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। कुछ अग्रवाल समाज के लोग आए और उन्होंने कहा हम एक आदर्श साथी के लिए डिनर करना चाहते हैं 200-300 लोगों का। मैंने कहा मैं ठीक है, उनसे टाइम लेके आपको मैं कर देता हूँ, लेकिन साथ में मैंने उनसे ये पूछा कि आपके तो अधिकांश आप लोग तो वोट जो है वो बीजेपी को करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम बीजेपी को करते हैं, लेकिन हमारे पे काफ़ी बड़ा एक तबका है जो आदर्श साथियों को सपोर्ट करना चाहता है। इससे मुझे लगा कि ऐसे वोटर्स जो बीजेपी में जाने वाले हैं वो भी आने वाले हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक जगह मैं कहीं जा रहा था, सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो एक मैं समझता हूँ 55-60 साल का व्यक्ति था, वो देख रहा था मेरी तरफ, और थोड़ी देर में देर के बाद मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आपका बेटा बड़ा ईमानदार है, उसने बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा आप समर्थन करिए, आप लोगों से बात करिए। उन्होंने कहा कि मैं खुल के नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीजेपी का मेंबर हूँ। ये बिल्कुल मतलब फैक्ट बात हुई है जो मेरे साथ। तो ये अंदर अंदर जो लोग हैं वो चाहे खुल के ना आए कारणवश, लेकिन अंदर अंदर लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अब शिफ्ट हो रहा है आदर्श शास्त्री की तरह। अभी 5 दिन बाकी है, राज बब्बर आ चुके हैं, कल सलमान खुर्शीद आए थे, कल शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी के आने की भी बहुत संभावना है। नहीं, वही राज बब्बर के ही प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, चूंकि राज बब्बर एक बड़ी हस्ती थी, मतलब कि जिस तरीके से दिख रहा है कि ग्राउंड पे शायद कोऑर्डिनेशन नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच में। आपने जिस जगह पे उस कार्यक्रम को करवाया वो कार्यक्रम की जगह बहुत छोटी थी, एक तो आपके सारे कार्यकर्ता वहाँ पे सेटल नहीं हो पाए, और उसमें भी जो अधिकांश लोग मेरे को दिख रहे हैं वो वही लोग हैं जो हर जगह पे प्रोग्राम्स में दिख रहे हैं। इससे हम आगे आते हैं, ये बात चूंकि हम कर चुके हैं। आदर्श जी की टिकट कट गई, उनका कसूर पूछा गया जो आदर्श शास्त्री जी ने वीडियो अपनी डाली। इस चीज को शायद आप भी स्वीकार करेंगे कि आदर्श शास्त्री द्वारका के नहीं हो पाए, और आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक संदेह है कि अगर आदर्श शास्त्री चुनाव हारते हैं तो क्या वो द्वारका में रहेंगे, क्योंकि जीतने के बाद का तो बातचीत अलग है।
क्या हारने के बाद आदर्श शास्त्री द्वारका को अपनाएंगे? मैं ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आदर्श शास्त्री यहीं के हैं, द्वारका के हैं, और द्वारका के पीते प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सबसे आसान रास्ता उनके लिए था कि वो चुनाव मैदान में आते ही नहीं, और अगर टिकट उनका कटा तो आम आदमी पार्टी में वो संगठन का काम करते। लेकिन उनको एक लॉन्ग रेंज की पॉलिटिक्स करनी है, एक दूरगामी दृष्टि के वो व्यक्ति हैं, और उनको आगे की राजनीति करनी है, और ये कोई दो चार महीने की राजनीति या साल छः महीने की राजनीति नहीं है। और लोग ये जो कहते हैं कि वो कम आए या दिखे नहीं या कम दिखे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम अगर हुआ है, ये भी कह रहे हैं काम हुआ है, काम हुआ, अगर आए नहीं तो काम कैसे हुआ? मैं यही आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली एक ना पूरा का पूरा पैरामीटर दिख रहा था। मैं आपको बताऊँ, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक ना एक विधायक ऑफिस के अंदर ही एक मंत्रालय चलता हुआ दिख रहा था। एक जनरल आदमी जब विधायक से बात करने की कोशिश कर रहा था इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर, तो विधायक जी या तो उनको किसी और की तरफ शिफ्ट कर दे रहे थे, जिस जो एक बड़ी समस्या रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्य नहीं हुए, लोग सेटिस्फाइड है उनके कार्य से, लेकिन वो अपने अभिभावक से मिल नहीं पाए, और अभिभावक ने जिनका रेफरेंस उनको दिया उन्होंने उनके साथ ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया। आपने कहानी सुनाई, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। विधायक जी के साथ राहुल शर्मा नाम का एक व्यक्ति घूमता है। राहुल शर्मा से मेरी स्वयं की 3-4 बात हुई, सिंस ही इज नॉट एमएलए, मे बी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएलए, और अपार्ट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट आई एम अ सिविलियन ऑफ द्वारका, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो लोग जनता से बात करते थे, मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है, इससे मन में एक खटास होती थी और मन के अंदर आता था कि इस बंदे को दोबारा नहीं चुनना। और शायद मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं। आपको मैं बताऊँ कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिनके खिलाफ मैं खुल के बोलता हूँ, मेरा कार्य है, पत्रकारिता मेरा धर्म है। और जिस दिन उनकी टिकट काटी गई मैं उस दिन भी वहाँ पर मौजूद था। जो उन्होंने अपने नीचे मंत्रालय क्रिएट किए, उन मंत्रालय में जो मंत्री पद पे लोग बैठे हुए थे, उनकी जो चाटुकारिता थी, उनकी जो आप कैसे कह सकते हैं कि शायद उन्होंने पैसा उगा ही की, शायद वो करप्ट थे जिसने आदर्श शास्त्री को डिफेम कर दिया। क्या आदर्श शास्त्री दोबारा वही गलती करेंगे? क्योंकि आपके पास अब वैसे बहुत सारे लोग नहीं भी है लेकिन अभी भी जुड़े हुए। देखिए, ऐसा है कि कुछ कमियां हो सकती हैं, ये बात है, कोई आदमी हर परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कमियां हो सकती हैं, और कमियों से आदमी सीखता है, और मुझे पूरा विश्वास है जो भी कमी रही है उसे सीख के जो है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ यहाँ के मतदाताओं को। और मेरा ये भी है कि जो यहाँ विधायक रहे, सांसद रहे 20-20 साल, वो यहीं रहते थे, इसी मोहल्लों में रहते थे, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? आज जनता ही क्यों नहीं कहती है कि इससे पहले जो विधायक रहे, इससे पहले जो सांसद रहे, वो काम नहीं हुआ? अगर 3300 गलियों में से 29 गलियों 3300 गलियों में से 2900 गलियों को पक्का किया गया है, तो आप क्यों 5 साल में क्यों किया गया? पिछले 20 वर्षों में क्यों? तो यहीं रहते थे, मोहल्लों में रहते थे, द्वारका के अंदर रहते थे, आना जाना था, सब जगह शादी ब्याह में पहुंचते थे, लेकिन उन्होंने काम तो किया नहीं। काम इसलिए, देखिए बात ऐसी है, विधायक को 10 करोड़ रुपये साल का मिलता है, 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ में अगर आप 5 करोड़ का काम करेंगे, 45 करोड़ कागजों पे होगा तो काम नहीं होगा, काम दिखा नहीं। लेकिन यहाँ तो जो 50 करोड़ मिला, 50 करोड़ का 51 करोड़ काम हुआ, पॉकेट में कुक किया नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहता है कि आदर्श शास्त्री ने एक नया पैसा नहीं कमाया 5 साल में। बिल्कुल, तो जब पैसा नहीं कमाया तो पैसा जो आया सरकार से एमपी फंड से, वो पैसा सारा लग गया, इसलिए आपको काम, लोगों को यहाँ काम दिख रहा है आदर्श शास्त्री का। मैं गया यहाँ पे जो सोसाइटीज हैं वहाँ के गेट, उस पर आदर्श शास्त्री नाम लिखा हुआ, गेट जो है, गेटों पर जो वो आदर्श शास्त्री ने बनवाया, सोसाइटीज में बाउंड्री वॉल उन्होंने बनवाई। और वो लोग कह रहे हैं कि इसके पहले उन्होंने कई बार इसके पूर्व विधायक जो थे उनसे बात किया, कभी कोई काम नहीं हुआ। तो सवाल ये मतलब है कि जो पैसा सरकार से आया, जो पैसा एमपी लैड में आया, वो पैसा पूरा एमएलए लैड में आया, वो सारा एमएलए फंड में आया, वो सारा का सारा पैसा लग गया। 50 करोड़ को कम नहीं होता है किसी को। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, अच्छा फिर टैंकर माफिया जो था उसको समाप्त कर दिया उन्होंने द्वारका से, कहीं एक आध दो जगह चल रहा होगा लेकिन अधिकांश जो है वो चल गया। अब लोगों का पानी आ रहा है, लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ रहा है, पहले टैंकर्स आते थे
टैंकर आते थे और उसके बाद उनको पैसा देना पड़ता था, उसमें जो है जो भी विधायक होते थे सांसद उनको उसका शेयर मिल जाता था। अनिल जी, आप जो बात कह रहे हैं यही बात तो फिलहाल जो विधायक प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के वो भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये सारे कार्य करवाए और आदर्श, आप कह रहे हैं कि आदर्श जी ने ये सारे कार्य करवाए। पहले भी तो शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, तब क्यों नहीं काम हुआ? तो वो भी सरकार से पैसा आता था, पैसा तो सरकार को जेब से निकाल कर तो देता नहीं है, तो पैसा काम जो होता है वो तो सरकार के पैसे से होता है, लेकिन वो कमिटमेंट होना चाहिए विधायक के मन में कि वो उस पैसे का ठीक इस्तेमाल करे। कई तो ऐसे भी एमपीज होते हैं, विधायक नहीं एमपीज होते हैं, जिनको एमपी लैंड मिलता है लेकिन पूरे पैसे भी खर्च नहीं होते, जो उनके क्षेत्र के लिए सैंक्शन होता है वो लैप्स हो जाता है। तो ये कहना कि इनका जो ये कहना कि ये पैसा जो है वो सरकार का पैसा था आदर्श, तो कहीं हर जगह ऐसा होता है कि जो पैसा होता है वो तो सरकार के होता है, लेकिन उस सरकार का पैसे का पूरा ठीक तरह से सदुपयोग होना वो विधायक पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, जो आदर्श साथी ने बड़ी अच्छी तरह से निभाया। आपको आगे कार्यक्रमों में भी जाना है, मैं अंतिम सवाल लूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड दे दी, एक विजन है इन दोनों का द्वारका मतलब कि दिल्ली को लेके। मुकेश शर्मा ने कुछ मीडिया चैनल से बात करते हुए कुछ विजन की बात की, लेकिन वो विजन अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो पाया। द्वारका में आदर्श शास्त्री अगर जीतते हैं तो वो क्या कार्य करवाएंगे और उनका विजन क्या है द्वारका के लिए, किस तरीके से वो, क्योंकि देखिए हमारे पीछे ही एक असली वाली द्वारका है जहां पर लोग रह रहे हैं, वहां के अपार्टमेंट्स देखिए, वहां की सड़कें देखिए, वहां की शांति देखिए, वहां की सिक्योरिटी देखिए, और हम लोग जहां पर रह रहे हैं आपने वो जगह भी देख ली, क्योंकि अब आप महावीर क्लब में ही शायद रह रहे हैं, आपने वो चीज भी देख ली कि किस तरीके का जीवन यहाँ के लोग जीने को मजबूर है, जबकि द्वारका हमें कहा जा रहा है। तो क्या विजन होगा आदर्श शास्त्री का द्वारका विधानसभा के लिए अगर वो जीतते हैं तो? देखिए, एक तो हमारा मैनिफेस्टो आ गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा और वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसमें दिल्ली का विजन और दिल्ली के लिए क्या सोचा है कांग्रेस पार्टी ने, और चाहे वो सत्ता में आए ना आए लेकिन जो ऑपोजिशन में होंगे वो भी उसी विजन पर चल के ये बातें असेंबली में उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, जो भी सरकार बनेगी, काम करवाने के लिए। जहाँ तक द्वारका विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदर्श शास्त्री का विजन ये है कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे और भी जो समस्याएँ, स्कूल की समस्या हो, हेल्थ की समस्या हो, आज जरूरत इस सब चीज़ों की है लोगों को, ये किस तरह से वो उपलब्ध कराएंगे सरकार से लड़कर, जो भी सरकार, कांग्रेस सरकार बात है, कोई भी सरकार बनेगी उसे लड़ झगड़ के वो उसको पूरा करेंगे। आपने बात की जो उधर द्वारका है जो मतियाले में जाता है, देखिए वो द्वारका DDA के अंतर्गत आता है, तो DDA ने उसको डेवलप कर लिया। ये जो है ये रेगुलराइज ज़रूर है, ये जो द्वारका विधानसभा आदर्श साथी में आता है, लेकिन उसमें ये है कि उस इस DDA के अंतर्गत ये नहीं अंतर्गत नहीं है, तो वो थोड़ा सा नुकसान है, नुकसान है, केंद्र सरकार के अंदर रेगुलराइज तो ये है लेकिन है अनाथ। अभी वैसे फिलहाल इनको अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया गया, मालिकाना हक दे दिया गया, तो हालांकि ये भी एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये क्या है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अनिल जी, हमारी आपकी मुलाकात, मैं कहूंगा कि आदर्श साथी को प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से सरकार पे जोर पड़वा कर इसके कुछ हिस्से कम से कम वो DDA के अंडर आ जाए तो बहुत कुछ सुधार आ जाएगा, कोई ऐसी बॉडी हो जो इसको सुधार सके। बहुत सारी शिकायतें हैं हमारी, हम आदर्श शास्त्री जी से बात करेंगे, क्योंकि 7 स्कूल तो उन्होंने भी द्वारका विधानसभा में नहीं बनवाए, हॉस्पिटल्स की सुविधाओं में किसी प्रकार की अच्छी बढ़ोतरी नहीं हुई। क्योंकि आपके पास समय कम है, आज हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे 11 फरवरी को दोबारा समय मांग रहे हैं, जिस दिन इस चुनाव के नतीजे आएंगे, पल पल के नतीजे हम आपको 11 फरवरी को बताते रहेंगे। अनिल शास्त्री जी और हमारी एक बातचीत हुई है जो आपके लिए बहुत रोचक है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ अनसुने किस्से हम अनिल शास्त्री जी की मदद से आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, शुक्रिया।